उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। एक दूसरे पर आरोप के साथ साथ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। ऐसे समय में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश के एक बयान ने राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी पैदा कर दी है। दरअसल पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को लेकर दिए गए इस बयान से हड़कंप मच गया है। भाजपा के ऑफिशियल पेज पर भी इस वीडियो को साझा करते हुए अखिलेश यादव पर प्रहार किया गया है। अब आप भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। दिनेश शर्मा ने कहा है कि चीन पाकिस्तान नहीं चाहते कि यूपी में भाजपा की सरकार आए। कौन नहीं चाहता? चीन पाकिस्तान। ये डिप्टी सीएम किसने बना दिया इनको? इनको कूड़े का काम और नाली साफ का काम दोबारा दे देना चाहिए। एक तरफ अखिलेश के इस बयान से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, वहीं तमाम भाजपाइयों द्वारा अखिलेश के इस बयान का विरोध किया जा रहा है। भाजपा नेता सिद्धार्थ अवस्थी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ अखिलेश ब्राह्मण प्रेम का दिखावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मणों को किस नजरिए से देखते हैं यह वीडियो में साफ पता चल रहा है। यही नहीं, सिद्धार्थ अवस्थी ने कहा कि अखिलेश ने न सिर्फ ब्राह्मणों का बल्कि साफ सफाई करने वाले लोगों का भी अपमान किया है। अखिलेश यादव सिर्फ जातियों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में माहिर हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अखिलेश सिर्फ सत्ता प्रेमी हैं। भाजपा नेता सिद्धार्थ अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिलेश को जवाब भी दिया। जन्मजात ब्राह्मण, गोत्र मेरा कानपुर, सनातन धर्मी संस्कृति में विश्वास रखता हूँ, बड़ों का आदर छोटों का सम्मान करता हूँ। विपक्ष में भी कोई अगर व्यक्ति हो तब भी उसको जी या बड़े भाई करके ही संज्ञा करता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने जो निंदा पूर्वक बयान दिया, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने स्वयं सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया है यूनिवर्सिटी में, कहीं ना कहीं से शायद अखिलेश जी भी यूनिवर्सिटी की टाइम से उनसे जुड़े होंगे। उनका ये कह देना, मैं उनकी बातों को दोहराऊंगा तो नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा निंदापूर्वक बयान दिया है कि जो व्यक्ति अपने पिताजी की खाती को लेकर, उनकी विरासत को लेकर आगे बढ़ा, उसने अपने पिताजी की इज्जत नहीं करी। मानहानि किसके ऊपर की जाए? जो व्यक्ति अपना घर नहीं संभाल पा रहा, क्या मुलायम सिंह यादव जी ने मानहानि का उनके ऊपर आरोप लगाया? शिवपाल जी ने लगाया? जो व्यक्ति घर ही नहीं संभाल पा रहा, आज वो समाजवादी की सोच लेके आगे चल रहा है। इनको समाजवादी कहीं से भी नहीं कहा जा सकता। मैं चाहूँ तो उनकी भाषा में ही उनको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जातियों में बांट देना आसान है, लेकिन हर जाति का सम्मान करना, यही ब्राह्मण की पहचान है। मैं ब्राह्मण हूँ, सबको साथ लेके चलने की मंशा रखता हूँ, सनातन धर्मी हूँ, परंतु वह कोई व्यक्ति अगर हमारे अभिभावक या ब्राह्मण समाज की प्रेरणा को या उनकी इज्जत को तार तार करने का प्रयास करता है तो ये कुतारगार उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। आप अपनी उम्र को देखिए, उनके अनुभव को देखिए, तब तुलना कीजिए। आपको उनसे सीख ही मिलती होगी या मिलती आई होगी। ऐसा घमंड किस बात का कि आप अपने बड़ों का सम्मान ना कर पाए? पक्ष विपक्ष हर सरकार में होता है। विपक्ष का आदर करना पक्ष का धर्म है, विपक्ष का आदर करना उनका विपक्ष का धर्म, लेकिन व्यक्तिगत आरोप, वो भी इतना गंदा कथन दे देना, उनके चरित्र को दर्शाता है। मैं प्रभु से यही कामना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे, और वो जिस तरीके से समाजवादी दल का नाम लेके चल रहे हैं, वो समाजवादी अब कहीं से नहीं रहे, वो केवल एक घमंडी अखिलेश का स्वरूप तैयार कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नीतीश मिश्रा की रिपोर्ट।